अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? मैं आज 3-4 दिन के बाद आपके सामने हाजिर हुई हूँ, तो मैं बहुत बिजी थी, सॉरी मैं कोई वीडियो बना नहीं सकी। तो मैं ना बहुत बिजी रही हूँ, मैं सिलाई का काम करती रही हूँ। ये देखो, मैंने ना ये सूट सिया है, तो पता है रेशमी बहुत ही बहुत मुश्किल से सिया जाता है। गला मैंने सादा ही रखा हुआ है, तो अभी ये मैं तरपाई करने वाली हूँ, आज कर लूँगी। और मैं और सारी मैंने कर ली है, ये मैंने ना नीचे कपड़ा इतना लगाया है शमीज़ का, क्योंकि नमाज बंदा पढ़े तो फिर नहीं अच्छा होता। तो इधर आगे मैं ना ये थोड़ी थोड़ी लैस लगाई है, ये देखो, पता नहीं मैं अब रखूंगी या नहीं, मुझे किसी वक़्त पता चलता है कि गलत किया है, नहीं रखनी चाहिए थी, हो सकता है मैं उतार दूं। ये देखो, एक मैं थोड़ी सी तंग करूंगी बाजू, तो थोड़ा सा ना पता नहीं मैं रखूंगी या नहीं, मुझे किसी वक़्त पता चलता है मैं गलत किया है, ये लैस नहीं लगानी चाहिए थी, ये बॉर्डर इसका था ना, तो लैस नहीं लगानी चाहिए थी। बहरहाल देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। ये मैं इसके नीचे खुद बॉर्डर लगाया है, ये देखो, ये दोनों तरफ इधर भी ये मैं खुद बॉर्डर लगाया है। और जो बड़ा बॉर्डर था ना वो नहीं मैं लगाया, ये बहुत मुझे ना हैवी लगता था, बड़ा लगता था, फिर मैं ये नहीं लगाया। ये पता नहीं लड़कियों के लिए पोंचे पर लगाने वाला है, ट्राउज़र पर मेरा ख्याल है लगेगा। बहरहाल फ़िलहाल मैं इसको रख देती हूँ, देखती हूँ कोई और सूट बना तो उसको लगा दूंगी। बाकी इस पर मेरे 2-3 दिन लग गए हैं इस सूट पर, पता है जॉर्जेट का है ना, तो शिफॉन पर ये बना है। इसके नीचे फिर मैंने ना ये लगा दी है शमीज़, ये शमीज़ का कपड़ा इसी के साथ मैंने ना सी दिया है, और ये तैयार हो गया है। और मैं आपको ना दुपट्टा दिखाऊँ इसका, ये इसका दुपट्टा है, ये इसका दुपट्टा है, ऐसे ये दुपट्टा है। और ये इसकी शलवार है, शलवार तो इजी बन जाती है ना, पता है ना आपको, ये शलवार मैंने बनाई है अपनी। और मैं फिर बहुत बिजी थी तो इसलिए मैंने ना एक ये रखा हुआ है, पता नहीं ये सिया जाएगा या नहीं, ये किसी और का बॉर्डर था, ट्राउज़र पर ये फूल लगने थे, वैसे मैं इसके साथ संभाल दिया था। और ये है दुपट्टा,
ये बटा है, ये देखो ये है रेड बटा। इसमें ना बाजू निकलेंगे, ये इतने इतने मैं बाजू निकाल लूँगी, फिर इस तरह ना ऐसे डबल करके ऐसे बाजू बन जाएंगे, ये मेरे बाजू बन जाएंगे। और ये शलवार का कपड़ा है, मुझे इसके ना इसकी शमीज़ नहीं मिल रही, ये है जी बैक साइड का पल्ला, ये बैक साइड का पल्ला है। और ये है जी फ्रंट साइड, मैं क्या नज़दीक करके दिखाऊंगा आपको, ये देखो ये फ्रंट का पल्ला है, ऐसे ये बॉर्डर आ जाएगा इसके साथ, ये बहुत मुश्किल होता है जब नाना मिले इसके साथ कोई मैचिंग वगैरह। ये पाकिस्तान से आया है सूट, तो मेरा ना मुझे शमीज़ नहीं मिल रही इसके साथ, तो मैं अभी इसको रख दिया है, मैंने ना इसका आज अभी कुछ नहीं करना। ये और ये बैक साइड का पल्ला है, मौसम अच्छा हो गया है तो मशीन पर बैठा जाता है, सर्दियों में बहुत मुश्किल होती है, सर्दियों में ना मेरा नहीं दिल करता मैं बैठूं मशीन पर, तो गर्मियों में ना दिल करता है कुछ ना कुछ करती रहूं। ये दुपट्टा है, हो सकता है ये मैं किसी और को दे दूं, इसकी जो ये है ना शलवार, शलवार का कपड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, इस पर ना बाल आ जाते हैं, ये देखो कितना इकट्ठा हो गया है, ये मुझे ये नहीं पसंद। मैं कहती थी कि मुझे शलवार का कपड़ा ये ऐसा मिल जाए ना तो ये मैं शमीज़ बना लूँगी, देखते हैं क्या करते हैं, अभी तो मैं रख देती हूँ। इधर ही मशीन के पास ही रख देती हूँ, और जो मैं ये नया काम शुरू किया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो मैं एक पल्ला बना लिया ना तो दूसरा मैंने शुरू किया है, ये देखो ये मैं थोड़ा सा आपके सामने बनाती हूँ,
थोड़ा थोड़ा लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ये दो पीछे कर लिए हैं, जो तीसरा था ना वो उसका उसको पहले उठाना पड़ता है ऐसे। ये बहुत अच्छा डिजाइन बन जाता है ऐसे। ये गंदल सी, ये देखो ये ऐसी लाइन सी बन जाती है। ये भी बनाई है, दो ये पीछे कर लो, तीसरा जो तीसरा है ना उसको पहले उठा लो, फिर जो दो आगे वाले होते हैं वो उसको बाद में उठाना पड़ता है। दो उल्टे, ये फिर दो पीछे कर लो, एक आगे कर लो। ये बहुत इजी है, बनाते रहो ना फिर पता चल जाता है। मैं बहुत अरसे के बाद ये काम शुरू किया है। ये फ्रंट का पल्ला है, वो मैं बैक का थोड़ा सा सादा ही रख दिया था, इस बार थोड़ा ज़्यादा मेहनत करूँगी। पता है फ्रंट साइड का पल्ला है ना, इसलिए। या वैसे ही मैं क्या थोड़ा सा आपको अपना काम भी दिखा दूँ ना, सूट दिखाए हैं तो ये भी दिखा दूँ मैं। ऐसे दो उल्टे, ये थोड़े थोड़े ना ढीले रखने पड़ते हैं। ये जो उल्टे करती हूँ ना इधर पीछे, ये थोड़े थोड़े ढीले कर लेती हूँ उल्टी सिलाई पर, तो फिर मैं कर लेती हूँ, इजी इजी उठाया जाता है फिर इस तरह ऐसे। मैं क्या पहले सूट दिखा दूं, क्योंकि मेरी वीडियो ही बहुत दिन हो गए, कोई नहीं मैं बनाई, मैं क्या मैं दिखा दूं कि मैं अपने सिलाई का काम कर रही थी, तो वो वीडियो बनाई ही नहीं मैं। मेरा जो स्टैंड था ना बड़ा, वो टूट गया है, वो लाऊंगी ना फिर उस पर वीडियो अपना मोबाइल रख दिया करूंगी, फिर मैं इजी सिलाई भी आपको दिखाऊंगी। कई लोग दो 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 घर ये जो होते हैं ना दो रखते हैं, मैं तीन रखे हुए हैं। फिर जो ये ना ये बहुत अच्छी चौड़ी सी लगती है, ये जो है ना अच्छी लगती है, फिर नज़र आती है। मैं तीन तीन के बनाए हैं, तीन सराय तीन उठाए हैं। कई लोग दो दो उठाते हैं, ये देखो।
ये भी डिज़ाइन बहुत अच्छा बन रहा है। पहले मैं सोचा था कि बहुत बिजी हो गया डिज़ाइन, ज़्यादा मैं डिज़ाइन बना गई हूँ, फिर मैं क्या फ्रंट का पल्ला है अच्छा लगता है। प्लीज़ मेरा डिज़ाइन अगर अच्छा लगा ना तो लाइक करना, शेयर करना, देखो। और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। ओके, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।